गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 18th चैप्टर नर्मदा नदी से परिचय। यह एक लेख है जो कि नर्मदा नदी के बारे में है। इसके लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। श्री अमृतलाल बेगड़ का नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव है, जिसके चलते वे नर्मदा नदी तट की 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन पद यात्रा कर चुके हैं। लेखन के साथ कला में रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों के में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इस पाठ का उद्देश्य है नर्मदा नदी की जानकारी देना, नदियों का महत्व बताना, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश देना। तो भारत को नदियों का देश कहा जाता है। इन्हें यदि भारत की रक्त धमनियां कहा जाए तो गलत न होगा। प्रस्तुत पाठ में नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ उसके तटीय जनजीवन की भी झलक मिलती है। तो भारत नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह नदी गंगा नदी से भी अधिक प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि विंध्याचल प्रदेश भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। इस प्रकार विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान को नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उद्गम स्थल मीन्स जहाँ से वो प्रकट हुई थी, वह स्थल माना जाता है। यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ पर्वतीय स्थल है। कुछ वर्ष पहले अमरकंटक तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, परंतु अब यातायात के विकसित साधनों के द्वारा आसानी से अमरकंटक तक पहुंचा जा सकता है। महाकवि कालिदास ने अमरकंटक का उल्लेख आम्रकूट के रूप में अपने काव्य मेघदूत में भी किया है। और अमरकंटक में आज भी आम के वृक्षों बहुत सारे वृक्ष देखे जा सकते हैं। वह कुंड जहां से नर्मदा नदी एक पतली सी धारा के रूप में निकलती है, उसे नर्मदा कुंड कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ नदियों को माँ के समान पूजा जाता है। नर्मदा की धारा जिस कुंड से निकली, वहाँ सुंदर भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर नर्मदा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक जो कि एक स्थान का नाम है, वह नर्मदा ही नहीं सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। यानी कि सोन नदी भी वहीं से प्रकट हुई थी। सोन नदी पूर्व की ओर बहती है, परंतु नर्मदा का बहाव पश्चिम की ओर है। नर्मदा और सोन के प्रति बहाव को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। सोन नदी को पुरुष माना जाता है और नर्मदा को स्त्री। इनका विवाह होने वाला था। स्वयं विंध्याचल ने विवाह का आयोजन किया था। सारी तैयारी हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश नर्मदा को यह विवाह स्वीकार न हुआ और वह दूसरी दिशा में बह चली। रास्ते में पुरोहित और नाई, पुरोहित मीन्स पंडित और नाई जिसको हम बार्बर कहते हैं, ने पर्वत के रूप में नर्मदा को मनाने का प्रयत्न भी किया, पर नर्मदा नहीं मानी। प्राचीन ऋषियों ने नर्मदा को चिरकुमारी भी कहा है। वेदों और पुराणों में भी गंगा नदी की भांति नर्मदा का भी बहुत उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अनेक ऋषियों और मुनियों ने इसके तट पर तपस्या की है। यह नदी गंगा आदि पवित्र नदियों के समान ही धार्मिक महत्व भी रखती है। नर्मदा कुंड से जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वह से पतली धारा 1 किलोमीटर के बाद दिखाई नहीं देती, परंतु लगभग 5-6 किलोमीटर के बाद एक प्रपात के रूप में, यानी कि झरने के रूप में 50 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इसे कपिल धारा कहते हैं। इसके बाद नर्मदा का एक और प्रपात यानी कि झरना दूध धारा के रूप में अमरकंटक में देखा जा सकता है। यह झरना अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अनेक पहाड़ी ढलानों, घाटियों, जंगलों और पथरीले धाराओं को पार करती हुई बहती है। यह बड़ी अप्रत्याशित नदी है। अप्रत्याशित मीन्स आकस्मिक, जो कि अचानक से निकली थी। यह कभी छोटी हो जाती है, कभी संकरी यानी कि कम चौड़ी हो जाती है, कभी गहरी तो कभी उथली,
कभी रौद्र रूप धारण कर लेती है और कभी मंथर यानी कि धीमा रूप धारण कर लेती है और कभी बिल्कुल शांत हो जाती है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट में नर्मदा नदी का सुंदरतम प्रपात देखा जा सकता है। प्रपात मीन्स आपको बताया ही है झरना। संगमरमर की सुंदर चट्टानों के बीच बहती नर्मदा का यह प्रपात दर्शकों को अनायास ही आकर्षित कर लेता है। अब ध्वड़ी कुंड में भी नर्मदा के प्रपातों को देखा जा सकता है। ध्वड़ी कुंड यह एक स्थानों का नाम है। यहाँ के शिवलिंग सारे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। यहाँ से बहती हुई यह ओंकारेश्वर पहुँचती है। ओंकारेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके बाद शूल पानी की झाड़ी में इसका मार्ग अत्यंत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। शूल पानी की झाड़ी नामक प्रदेश वृक्ष रहित है यानी कि वहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं है और यहाँ कुछ भील और आदिवासी जातियाँ ही रहती हैं। यहाँ से नर्मदा भरूच होती हुई खम्पा भात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी जो एक पतली सी धार के रूप में दिखाई देती है, वही नर्मदा अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचते पहुँचते 20 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। अतः भारतवर्ष में नदियों को जल को अमृत माना जाता है और उन्हें माँ की संज्ञा देकर पूजा जाता है। नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुँचकर फसलों को लहलहा देती हैं। नदियाँ सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं अपितु प्राणी मात्र का माँ की भांति पालन पोषण करती है। अतः हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने अविवेकी कार्यों यानि कि जो काम हमें नहीं करने चाहिए नदियों में, उन कार्यों को बंद करें और नदियों को स्वच्छ रखें, उनका जल अमृत ही रखें, विष न बनाएं। थैंक यू।